चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा को जिला बनाने की कार्यवाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीनागंज विश्राम गृह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। इस दौरान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चाचौड़ा बीनागंज नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण भोला सोनी और एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष गौरव जोशी उपस्थित रहे। इसके साथ ही विधायक श्री सिंह ने कहा कि चाचौड़ा के विकास कार्यों के लिए हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य के लिए अलग नहीं है, विकास कार्य के लिए हमेशा वे एक हैं और चाचौड़ा बहुत जल्दी जिला बनेगा जिससे चाचौड़ा क्षेत्र में 300 बेड का अस्पताल होगा जिससे इलाज के लिए गुना अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। चाचौड़ा जिला बनाने के लिए चाचौड़ा के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी जिससे रोजगार की समस्या भी नहीं रहेगी। इस दौरान विधायक ने कहा कि जिले का काम पहले ही तीव्रता से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, बस अंतर यह है कि चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणा कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समर्थन किया था और तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अभी चाचौड़ा को जिला बनाना चाहिए। इससे पहले भी छोटे छोटे जिले बने हैं और चाचौड़ा क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है और भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री चाचौड़ा को जिला जरूर बनाएंगे। और विधायक सिंह ने यह भी कहा कि चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए उन्हें किसी प्रकार का श्रेय नहीं चाहिए।